स्वावलंबन में हमने महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी अब 9.4% है, 9.4%। हमने इसमें घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं को नियुक्ति होगी। इसका मतलब है कि जो हमने घोषणा की कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, उसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। 50% तक महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यवसायों को कर में छूट और सहायता मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को सस्ता ऋणों और टैक्स रिफंड हेतु फंड मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे उनके लिए। ग्रामीण और कुटीर क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के लिए 10,000 रुपये का न्यूनतम मानदेय मिलेगा। सहायता समूह को 4% इंटरेस्ट रेट पर ऋण, मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता, 40% कार्यों में आरक्षण मिलेगा। राज्य में राशन की 50% दुकानों का प्रबंध और संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। शिक्षा के लिए जो शैक्षिक सशक्तिकरण है, उसके लिए हम कुछ कदम उठाना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा अपने भाषणों में, 10+2 में प्रत्येक लड़कियों के लिए स्मार्टफोन दिया जाएगा। आप जानते हैं, कल ही मैं एक छात्रा से बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कि कोरोना के दौरान सबसे बड़ी संकट उनको जो आई कि जो ऑनलाइन शिक्षा थी वो कर नहीं पाई क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे। तो आज स्मार्टफोन शिक्षा का माध्यम बन गया है।